आखिर ऐसा क्या हो गया है कि अक्षरा को जोड़ने पड़े हैं मंजरी के आगे हाथ। जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अक्षरा जोड़ती है मंजरी के आगे हाथ, उस मंजरी के आगे हाथ जो कि एकदम नहीं पसंद करती अक्षरा को। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको हमारे चैनल टेली एक्सप्रेस में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में, जैसे कि आप जानते ही हैं कि अभीर का सच आने वाला है सबके सामने। जी हाँ, मैनेजर आरोही को कॉल करके बता देता है कि अक्षरा और अभिमन्यु यहाँ पर झगड़ रहे हैं अभीर को लेके, जिसके बाद आरोही को पता चल जाता है कि सच सामने आ गया है अभिमन्यु के भी, जिसके बाद आरोही मंजरी को लेकर पहुँच जाती है बिरला हॉस्पिटल। जी हाँ, वहाँ पर पहुँचने के बाद फिर ये बात पता चलने वाली है मंजरी को भी कि अभीर उसका पोता है। जी हाँ, ये सच सामने आने के बाद तो मंजरी को लगता है बड़ा धक्का और वो काफ़ी ज़्यादा सुनाने वाली है अक्षरा को। मंजरी अक्षरा से बोलती है कि तुम हमारे पोते को हमसे दूर लेकर क्यों जा रही हो, इतने सालों तक ये सच क्यों छुपा के रखा कि अभीर हमारे खानदान का ही वारिस है। जी हाँ, ये बात सब बोलती है मंजरी अक्षरा को। लेकिन इसके बाद अक्षरा देने वाली है मंजरी को बड़ा जवाब। अक्षरा बोलती है, आज जब आपको पता चला कि अभीर आपका पोता है तो आप बड़ी जल्दी आ गई, लेकिन उस टाइम आप ही थी जिन्होंने मुझे इस घर से निकाला था। ये भी नहीं सोचा कि मेरे पेट में बच्चा पल रहा है, तब तो आपको एक नहीं समझ में आई और आपने तो मुझे कातिल ही घोषित कर दिया। जी हाँ, ये सारी बात अक्षरा बोलती है मंजरी को हाथ जोड़ के कि अब आपको कहाँ से याद आ गई अपने पोते और अपने बहू की, उस टाइम तो आपको ये पोते और बहू कुछ नहीं नज़र आ रहा था। ये सब सुनाने वाली है मंजरी को अक्षरा, जिसके बाद अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि जैसे ही मंजरी के सामने आ गया है सच, तो क्या अब मंजरी होने देगी आरोही और अभिमन्यु की शादी। कैसी लगती है आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है की स्टोरी, हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।